अभी ही कोटा पूरा नहीं, अगर एससी एसटी का कोटा अभी पूरा नहीं है तो पूरा होने के पहले क्रिमिनल लागू नहीं लागू करने का तर्क ही जायज नहीं, 200% गलत तर्क है। मैं भारत सरकार को अनुरोध करता हूँ इस फैसले को मानने से इनकार कर, यदि सरकार इनकार नहीं करती है तो उसके विरोध में हम भारत बंद का ऐलान करेंगे। क्रिमिनल के आधार पर जो सीटें खाली रहेगी उन सीटों पर जनरल कैटेगरी के लोगों को भर्ती करने का मौका सरकार को उपलब्ध हो जाएगा। ये असल में एक तरह से एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को नुकसान पहुंचाने का और उनका कोटा फुलफिल होने से रोकने के षड्यंत्र का हिस्सा है। फैसले देने वाले जो जजेस है वो केवल अपने जाति वर्गों का हित ध्यान में रखते हुए ऐसा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के बीच में क्रिमिलेयर लागू करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये फैसला भविष्य में आ सकता है, ये बात मैंने पहले ही जब ओबीसी को क्रिमिलेयर लागू किया गया था उसी समय मैंने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इसके बारे में सतर्क किया था और उसी समय अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कहा था कि ओबीसी को क्रिमिलेयर का सिद्धांत लागू करना ये भविष्य में एससी एसटी लोगों के लिए खतरा हो सकता है। आखिरकार वो बात सच साबित हुई। जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं उन लोगों के पास ये जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है, उनके पास ये जानकारी है कि अनुसूचित जाति का जो परसेंटेज है 15% और 7.5% वो 100% अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। 100% फुलफिल होने के बाद क्रिमिलेयर लागू करने का तर्क संभव हो सकता था, मगर ये 100% 15% जो कोटा है वो फुलफिल नहीं हुआ, 7.5% का फुलफिल नहीं हुआ, उसके पहले ही क्रिमिलेयर लागू करना ये सिद्ध करता है कि क्रिमिलेयर के आधार पर जो सीटें खाली रहेगी उन सीटों पर जनरल कैटेगरी के लोगों को भर्ती करने का मौका सरकार को उपलब्ध हो जाएगा। ये असल में एक तरह से एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को नुकसान पहुंचाने का और उनका कोटा फुलफिल होने से रोकने के षड्यंत्र का हिस्सा है। और ये फैसले देने वाले जो जजेस है वो केवल अपने जाति वर्गों का हित ध्यान में रखते हुए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा उनके फैसले को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है। उन्होंने उस वर्ग का ध्यान नहीं रखा, उनके पास डाटा भी है, सरकार के पास का डाटा वो मंगा सकते थे और उनको जानकारी हो सकती थी कि उनका कोटा 100% अभी तक फुलफिल नहीं हुआ और वो ऐसा स्टैंड ले सकते थे, न्यायपूर्ण स्टैंड ले सकते थे कि जब तक 100% कोटा पूरा नहीं होता तब तक क्रिमिलेयर लागू नहीं किया जा सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भारत के अंदर रहने वाले नागरिकों के बीच में भेदभाव हो गया है। वो भेदभाव क्या है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जाति के लोगों को, अगर वो ऊंचे जाति के लोग है तो उनको ये क्रिमिलेयर लागू नहीं है, वो क्रिमिलेयर का ही वर्ग है, उनको क्रिमिलेयर लागू नहीं है, उनको आर्थिक मानदंड लागू नहीं है, उन्होंने ये मापदंड लागू नहीं किया। उनको लागू करना चाहिए था कि जिनका एक निश्चित आर्थिक कैपेसिटी है ऐसे लोगों को सरकारी नौकरियों में बिल्कुल जगह नहीं होगी, ऐसा निर्णय होना चाहिए था। अगर वो ऐसा करते तो वो जो सक्षम लोग है वो दूसरे तरह अपने लिए रास्ते खोल सकते थे, उनके पास सक्षमता है, मगर उन्होंने एससी एसटी के लिए ओबीसी के लिए ऐसा लागू किया और उन लोगों को खुला छोड़ दिया। यानी उनके अंदर जो आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न लोग है उन लोगों को अलाउ कर दिया। तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग है उनके साथ और कंपेयर करो एससी एसटी ओबीसी के साथ तो ये भेदभाव किया गया है ऐसा लगता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय दे सकता था कि ये सभी लोगों को क्रिमिनल लागू करो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को भी लागू करो, ऐसा करने से समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता, मगर इस निर्णय ने समानता के सिद्धांत का भी उल्लंघन किया जो भारत के संविधान ने गारंटी देने का काम किया है। ऊंची जाति को क्रिमिलेयर में आने के बावजूद भी उनको किसी प्रकार का बंदिश नहीं है। अगर मान लो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के अंदर से क्रिमिलेयर डिलीट कर दिया गया, अगर ऐसा कर दिया गया तो फिर सवाल खड़ा होगा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों का कोटा पूरा करने के लिए गुणवत्ता धारक लोग कहां से मिले। जो अनुसूचित जाति के अंदर ज्यादा से ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग है
क्या वो मैट्रिक तक अपना एजुकेशन पूरा कर पाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिलीट हो जाएंगे, मेरिट में डिलीट हो जाएंगे। और इस तरह से पहले से 15% और 7.5% का कोटा जो पूरा नहीं हो रहा था वो और अधूरा रह जाएगा, और जो अधूरा रह जाएगा वो ऊंचे जाति के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को उसकी भरपाई करने का मौका मिलेगा। ये निर्णय उचित नहीं है, इसे नहीं माना जा सकता। तो ये दो सिद्धांत, मतलब आप गुणवत्ता धारक भी आपको चाहिए और आपको क्रिमिलेयर भी चाहिए, ये दो सिद्धांत कॉन्ट्रेडिक्टरी है। अगर आपको क्रिमिलेयर नहीं चाहिए तो आपको गुणवत्ता धारक लोग नहीं मिलेंगे, और अगर गुणवत्ता धारक लोग चाहिए तो उसमें निश्चित रूप से अनुसूचित जाति के लिए क्रिमिलेयर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुसूचित जाति के अंदर थोड़े बहुत जो आर्थिक दृष्टि से सक्षम लोग है वही अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाने में कामयाब हो सकता है और उसके द्वारा कोटा पूरा हो सकता है। अभी ही कोटा पूरा नहीं है, अगर एससी एसटी का कोटा अभी पूरा नहीं है तो पूरा होने के पहले क्रिमिनल लागू करने का तर्क ही जायज नहीं, 200% गलत तर्क है। ये फैसला न्यायपूर्ण नहीं है, इसको माना नहीं जा सकता। मैं भारत सरकार को अनुरोध करता हूँ इस फैसले को मानने से इनकार कर, यदि सरकार इनकार नहीं करती है तो उसके विरोध में हम भारत बंद का ऐलान करेंगे और पूरी संगठित शक्ति इस काम के लिए लगाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।